तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगले दो दिनों के अंदर आपको एक ऐसी राज पता चलेगी जो कि तुला राशि वालों, दुश्मन छाती और माथा पीट पीट कर रोने वाले हैं। जी हाँ तुला राशि वालों, वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, किए की सजा तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। जी हाँ तुला राशि वालों, गीता में शाप शब्दों में लिखा गया है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें, वो समय आ गया है दुश्मनों की बर्बादी देखने के लिए तैयार रहना, क्योंकि तुला राशि वालों, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत सताया करते थे, बहुत रुलाया करते थे, आपके अच्छे कार्यों पर भी विरोध किया करते थे, यानी कि हर तरह से कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने में ही लगे रहते थे। जी हाँ तुला राशि वालों, और दोस्तों, आप में सबसे खासियत और अच्छी बात यह है कि आप एक नेक इंसान हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप किसी को भी कुछ नहीं कहते थे और सब कुछ भगवान पर छोड़ देते थे, क्योंकि दोस्तों, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं और भलाई के लिए ही करते हैं। दुश्मनों द्वारा बिछाए हुए जाल अब खत्म होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों, उन्होंने बहुत अपनी मनमानी कर ली, अब सब कुछ भगवान के मर्जी से होंगे, होगा वही जो राम रची रखा है। दोस्तों, आज की यह पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है और नक्षत्रों के चाल के आधार पर वीडियो का निर्माण हुआ है। अनुरोध है आपसे, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार से निकल कर आ रहे हैं कि सबकी अब बराबर हिसाब होने वाली है, और दोस्तों, एक मौका सबको मिलेगा, ये आप तय करेंगे कि आप इनका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सब कुछ विस्तार से जानेंगे कि ग्रह सितारों द्वारा क्या क्या खेल आपकी जिंदगी में होने वाली है, आपकी व्यापार में कितनी तरक्की होगी, आपके लव लाइफ में कौन से मोड़ आने वाले हैं और आपके स्वास्थ्य में क्या क्या सुधार होंगे, आपके पारिवारिक माहौल में क्या क्या चेंजिंग होंगे। सबसे पहले श्री राम जी के जो भी सच्चे भक्त हैं और श्री राम जी से सच्चा प्रेम करते हैं, वही वीडियो को लाइक करें और अपने इन प्यारे हाथों से कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय सिया राम, जय प्रभु महाबली। दोस्तों, प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं और इतने महान हैं, इनके कृपा से आपकी जिंदगी स्वर्ग जैसी बनने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, तो आप अवश्य लिखिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही बड़े सुंदर अनमोल विचार से। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लोहे को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि उनका जंग ही उन्हें बर्बाद कर देता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को, मानव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन खुद की ही गलती, उनकी अपनी ही सोच, व्यवहार और अहंकार, उनके कर्म ही उन्हें एक दिन बर्बाद कर देती है। दोस्तों, बात अगर आपको समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से लिख दीजिएगा, जय बाबा महाकाल। आइए दोस्तों, बात करते हैं आने वाले अगले दो दिनों की। तुला राशि वालों, आप अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे पाएंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, तुला राशि वालों, कोई भी पॉलिसी अथवा मैच्योर रहने से धन निवेश संबंधित योजना भी आपकी बनेगी। आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होगी और काफी ज्यादा सुधार होंगे। वहीं दोस्तों, व्यर्थ के बाद विवाद में अभी आपको उलझने से बचना होगा, परंतु यह भी ध्यान रखें कि आपकी जल्दबाजी और लापरवाही की वजह से नुकसान भी हो सकता है। वक्त के अनुसार अपने दिनचर्या में भी परिवर्तन लाएं। विद्यार्थी को अपने किसी प्रोजेक्ट पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत रहेगी। जी हाँ तुला राशि वालों, वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, कुल मिलाकर मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा। आलस्य छोड़कर पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास अपने दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। हालांकि आप अपनी सूझबूझ से परिस्थितियों को सकारात्मक भी बना लेंगे। युवा वर्ग अपने लक्ष्यों के प्रति तोड़ मेहनत करेंगे और उसमें आपको जो है सफलता भी अवश्य मिलेगी। वहीं दोस्तों, कोई भी कार्य करते समय अपने बजट का ध्यान रखना अभी आपके लिए बेहद जरूरी है।
बिना वजह दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप ना करें। इनकी वजह से आपकी भी आलोचना और जो है निंदा संभव है। रिश्तेदार के आगमन से आपके कुछ कार्य जो है बाधित होंगे। आपको अपने कार्यों पर अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वहीं दोस्तों, कुछ समय आत्मचिंतन तथा जो है अध्यात्म स्थल पर व्यतीत करने से आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। वही दोस्तों, स्वस्थ महसूस करेंगे और सामाजिक तथा व्यवसायिक गतिविधियों में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। यह समय बहुत ही सजग रहने का भी है। छोटी सी गलती या समस्या का कारण बन सकती है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। युवा वर्ग गलत संगति और गलत आदतों से दूरी बनाकर रखें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने समय आपको मार्गदर्शन लेना भी बेहद जरूरी है। वहीं दोस्तों, अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो यह समय व्यवसाय में जो है खुद को साबित करने के लिए बहुत अधिक मेहनत और परिश्रम की जरूरत होगी। हालांकि विस्तार संबंधित योजनाएं भी आपकी सफल रहेंगी और चिट फंड आदि जैसी कंपनियों में निवेश करने से समय अभी आपके अनुकूल नहीं है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए आपको रुकना चाहिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। सरकारी सेवारत लोगों पर जिम्मेदारियां अभी बढ़ेगी और उन्हें कार्यभार अधिक से अधिक सौंपी जा सकती है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे कार्य क्षेत्र में अपनी उपस्थिति रखें, क्योंकि कर्मचारी की तरफ से कोई जो है सहयोग न मिलने से दिक्कतें आ सकती है। इस समय मार्केटिंग तथा ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से आपके व्यवसाय में गति आएगी। ऑफिस का माहौल यथावत ही रहेगा, लेकिन आपको अभी अपने कार्यों पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत कोई भी व्यवसाय संबंधित निर्णय लेते समय उनके सभी पहलुओं पर विचार विमर्श कर लेना आपके लिए जो है आयात निर्यात संबंधित कार्यों में महत्वपूर्ण और बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। परंतु नौकरी कर रहे लोग चल रही राजनीति की वजह से थोड़े बहुत परेशान रहेंगे। एक दूसरे के बातों को अभी आपको नज़रअंदाज करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्यों पर ही ध्यान देना आपके लिए उचित रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, यह समय परिवारजनों तथा बच्चों के साथ भी भरपूर समय व्यतीत करें। इससे आपको बहुत अधिक सुकून मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी काफ़ी ज़्यादा मधुरताएं बनी रहेगी। वहीं दोस्तों, अगर आपकी हेल्थ यानी कि सेहत को लेकर बात करें तो यह समय सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से जो है ज़्यादा मेल मिलाप रखें और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखना आपको जो है मानसिक सुकून देगा और राहत मिलेगी। ध्यान रखें, मेडिटेशन भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप योगा मेडिटेशन भी कर सकती हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय वैवाहिक संबंधों में जरा सी गलतफहमी की वजह से संबंधों में खटाश उत्पन्न हो सकता है। मित्रों के साथ खुशनुमा समय व्यतीत करें और अधिक से अधिक आप अपने जो है पार्टनर को महत्व दें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें तो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा।